तो आज मैं लाई हूँ टमाटर की चटनी। इसमें मैंने लहसुन डाली, थोड़ी सी अदरक डाली और साबुत जीरा डाला। इसको मिक्सी से जीरे को ग्राइंड नहीं किया, टमाटर और अदरक और लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया। और ऊपर से फिर जब मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई तो मैंने इसमें साबुत जीरे डाल दिए। और इसमें मैंने अभी नमक भी नहीं डाला। मैं जब चटनी सर्व करूँगी तब क्या नाम है इस टमाटर में नमक डालूँगी। आपका मन हो तो सेंधा नमक डाल दीजिए और नहीं तो वाइट प्लेन जो टाटा नमक है वो। मैं इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी, लेकिन मैं पूरी चटनी में नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि पूरी चटनी में अगर आप नमक डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद, आधा एक घंटे बाद, वो टमाटर की चटनी में पानी छोड़ने लगेगा। तो जब आप चटनी जब सर्व कर रहे हों या पराठों के साथ या खाने के साथ, तो आपको जितनी चटनी में नमक डाल खाना है उतनी ही चटनी में आप नमक मिलाइए। बाकी चटनी बिना नमक के रखी रहने दीजिए फ्रिज में, तो वो आपकी चटनी फ्रेश रहेगी और दूसरा उसमें पानी पानी सा नहीं रहेगा। नहीं तो जहाँ आप नमक डाल देते थोड़ी देर बाद आपकी चटनी में पानी पानी छोड़ने लगता है टमाटर। तो इस टिप्स को आप प्रयोग कीजिए कि चटनी आप बना के रखिए, लेकिन जब आपको खाना हो तभी आप चटनी में नमक डालिए। और एक चीज़ है, मैंने इसमें हरी धनिया भी नहीं डाला। हरी धनिया टमाटर की चटनी जो मैं बनाती हूँ उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जो ये मैंने बनाई है इसका टेस्ट अलग है। तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर की चटनी में धनिया नहीं डाली है। और इसको मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में ऐसे भर के एयर टाइट डिब्बों में कर दिया। अब जब मुझे चटनी टमाटर की खानी होगी या पराठों के साथ सर्व करनी होगी, तभी आप अपनी कटोरी में जितनी चटनी निकालें उसी में नमक मिला लें। ये देखिए आपकी चटनी जो परिवार की रसोई में टमाटर की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। ओम नमः शिवाय।